अस्सलामुअलैकुम, इन कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत लेक्स की, जो पाकिस्तान में सबसे फेमस हैं और मोस्टली लोग जब ट्रैवल करते हैं इन इलाकों में तो इन लेक्स को ज़रूर घूमते हैं। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मानचर लेक की। मानचर लेक पाकिस्तान का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और ये एशिया का भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। मानचर लेक सिंध में वाकिया है और जब भी लोग सिंध में ट्रैवल करते हैं तो मानचर लेक को ज़रूर विज़िट करते हैं। दूसरे नंबर पे किंजर लेक। किंजर लेक का दूसरा नाम कालरी लेक भी है। किंजर लेक सिंध में वाकिया है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का लेक है। बहुत से लोग, मैंने कहा, जब सिंध में ट्रैवल करते हैं तो मानचर लेक और किंजर लेक को ज़रूर विज़िट करते हैं। तीसरे नंबर पर है अताबात लेक। अताबात लेक, इसका दूसरा नाम लेक गोजिल भी है, जो गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा लेक है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि जब गिलगित बल्तिस्तान का नाम आता है तो अताबात लेक का नाम भी सबसे पहले आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसको भी विज़िट करते हैं। चौथे नंबर पे महुडंड लेक। जब कलाम की बात की जाए और फिर महुडंड लेक को मिस किया जाए तो मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। कलाम से 25 किलोमीटर दूर ये खूबसूरत सा लेक है और इतना ज़बरदस्त फ्रेश वाटर का लेक है, यहाँ पर ट्राउट मछलियाँ पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में फेमस है। महुडंड लेक अपर पार्ट ऑफ द उशू में मौजूद है और आपको एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर विज़िट करना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे लेक सैफ अल मलूक। जब नारायण कागान की बात आती है तो उसमें लेक सैफ अल मलूक का नाम भी मिस नहीं किया जाता। ये रिवर कुनहार का सोर्स है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी दूर दराज इलाकों से लेक सैफ अल मलूक को भी लोग देखने आते हैं। छठे नंबर पर रती गली लेक। आज़ाद कश्मीर की बात आती है तो रती गली लेक का भी नाम आता है। यहाँ पे रती गली का रिजॉर्ट भी है और आलमोस्ट ये द्वारियाँ से 30 किलोमीटर दूर है। ये लेक रती गली लेक तकरीबन 12,000 फुट सतही ज़मीन से ऊपर है, जहाँ पे अक्सर बर्फ़ भी पड़ती है और मौसम काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक होता है। सेवन नंबर पर मैं बात करूँगा शंदूर। शंदूर लेक एक ऐसा लेक है जो शंदूर पोलो ग्राउंड के आसपास मौजूद है। ये आलमोस्ट गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत लेक है और ये सबसे फेमस की जो बेसिक वजह है, इसका पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी होता है। ये लेक शंदूर वैली में मौजूद है। आठ नंबर पे करम्बार लेक, बजोसा लेक और दोपितसर लेक है। इसके साथ बंजोसा लेक है, दोपितसर लेक है। तो ये कुछ ऐसे लेक्स हैं जो आपको पाकिस्तान में बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए और अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।